वेलकम बैक टू चिली एंड चाय। मैं आंटी दारा। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल डिश बना रही हूँ जो कि टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है और बहुत प्रोटीन से भरपूर है। वो है वेज सोया कीमा। सोया कीमा बनाने के लिए हमने 3/4 कप ग्रैन्यूल्स, सोया ग्रैन्यूल्स लिए हैं और इसमें हम 3/4 कप मटर लिए हैं और इतनी ही गाजर ली है। इसको मैं पहले भिगो के रखूँगी। अगर आप भिगोने के टाइम आपके पास नहीं है तो आप इसको गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं। भिगोने के लिए इसको 3 या 4 घंटे चाहिए होते हैं और आप गर्म पानी में इसको तेज़ गर्म पानी में गर्म करके रख दें तो आप आधा घंटे बाद भी बना सकते हैं इसको। अब इसमें पानी है तो मैं अब इसका पानी पूरा निकालूंगी। इसका ये ऐसे करके हम पूरा पानी इसका ड्रेन कर देंगे। मैंने पानी पूरा ये सब निकाल दिया है। अब हम इसको बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। ये सोया कीमा बनाने के लिए मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं आपके लिए ये आसान कर रही हूँ कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े। तो इसके लिए मैं पहले डालूँगी, इसमें हमने गैस ऑन कर दी है, 2 टेबल स्पून ऑयल। अब घी या तेल कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून घी, 1/2 चम्मच हमने जीरा डाल दिया, 2 ये लाल मिर्च, 3 मीडियम साइज मैंने प्याज काटे हुए हैं वो डाल दिए। प्याज को हम पकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक, 3/4 चम्मच गार्लिक और इसको हम बिल्कुल ब्राउन होने तक अभी पकाएंगे। प्याज ब्राउन हो गए हैं। सूखा धनिया 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 3/4 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, नमक टेस्ट के हिसाब से, हरी मिर्ची डालेंगे वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए 1 चम्मच, कसूरी मेथी 1 चम्मच। अब इसमें हम हल्का सा पानी डालेंगे, मसाले मिक्स हो जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे दही 2 टेबल स्पून एंड टमाटो प्यूरी 1/2 कप। मसाला पक गया है। अब हम सोया ग्रैन्यूल्स डालेंगे। ये जो हमने गाजर काट के रखी हुई थी वो भी डाल देंगे और ये 1/2 कप मटर ये भी डाल देंगे। अभी हम इसको पकाएंगे 5 मिनट। अभी 5 मिनट इसको धीमी गैस पे हमने बनाया है। अब इसको हम खोलेंगे। इसमें हम 1 चम्मच घी और डालेंगे। इसको हमने बाइंडिंग के लिए इसमें हम थोड़ा बेसन डालेंगे, लम्स नहीं आने चाहिए बेसन के। मैं बेसन इसमें डाल रही हूँ। बंद कर देंगे ढक्कन और 3 विसल लगाएंगे अब हम इसके, और ये तेज गैस पे ही विसल लगेगी। इसको अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला 1/3 चम्मच, चाट मसाला 1/2 चम्मच, हरा।
हमारा वेज सोया कीमा सर्व करने के लिए तैयार।